आइए अब देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर की कंडीशन में कौन कौन सी एट प्रीमियम की कंडीशन में, जब इश्यू ऑफ शेयर करते हैं किसमें एट प्रीमियम पे, तो कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं। अगर प्रीमियम ऑन अप्लीकेशन, अगर प्रीमियम किसमें है अप्लीकेशन में है, यानी इसको तीन पार्ट में इनको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। अगर किस पे हो रही है अप्लीकेशन पे, अगर एप्लीकेशन की कंडीशन में आ रही है तब की कंडीशन जनरल एंट्रियां क्या होती हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, अब किसमें ट्रांसफर करते हैं इसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट, ओके। अगर एप्लीकेशन कंडीशन में है तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री क्या जाती है कि अब अगर ये अलॉटमेंट में हो, अगर प्रीमियम किसमें, ये पहले किस पे था, ये एप्लीकेशन पे था, अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे। अगर अलॉटमेंट की कंडीशन में होती है तब की कंडीशन में क्या जनरल एंट्री हो सकती है, इसकी कंडीशन में जो फर्स्ट एंट्री आएगी अगर प्रीमियम किसमें है अलॉटमेंट में, तब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व बीइंग बीइंग द अलॉटमेंट अलॉटमेंट ड्यू With premium, premium, ठीक है। जब ड्यू किया with premium, next क्या हो जाएगा, जब receive करेंगे तो next entry क्या हो जाएगा, bank account debit to share allotment being allotment money received, ओके। अगर ये अलॉटमेंट में हुआ, एप्लीकेशन का था, ये अलॉटमेंट में, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, कॉल में प्रीमियम ऑन कॉल पे, अगर कॉल पे हो रही है कॉल की कंडीशन में, तो इसमें क्या होगा, कोई भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, एज्यूम करते हैं फर्स्ट कॉल पे, अगर सेकेंड कॉल में भी होगा तो केवल फर्स्ट की जगह क्या चेंज हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा और बाकी सेम प्रोसेस। तो कॉल का करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
these are account. Being the first call money due with premium. ओके जब ड्यू किया तो फिर रिसीव करते हैं तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मनी रिसीव ओके अगर एप्लीकेशन की कंडीशन में है तो एप्लीकेशन के साथ अमाउंट ऐड होके और फिर ट्रांसफर करते हैं फिर अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है तभी कंडीशन में अगर कॉल पे है तब अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर दिया हुआ है कि किस कॉल में है एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में तब वहाँ पर हम लोग उस वहाँ पर प्रीमियम का यूज करें इनकेस अगर क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम क्वेश्चन में प्रीमियम है लेकिन ये नहीं बताता है कि किस कॉल पे है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में तो हमेशा कहाँ लिया जाएगा अलॉटमेंट में एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के समय कंपनी प्रीमियम का यूज करती है ओके अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ओके